डुगु के किचन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं शाही गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी जो कि राजस्थान का रिच कल्चरल हेरिटेज दर्शाता है। ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उस आवश्यकता ने ही जन्म दिया गट्टे की सब्जी को। अगर आप कभी राजस्थान नहीं आए हैं तो आप गट्टे की सब्जी से फैमिलियर नहीं होंगे। तो आपको समझा दें कि गट्टे हैं क्या। गट्टे बेसन से बने वो स्टीम्ड डम्पलिंग्स हैं जिन्हें दही की ग्रेवी के साथ सर्व किया जाता है। राजस्थान में पानी की कमी के कारण लोगों ने दूध, दही और छाछ से ग्रेवी बनाना शुरू किया। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ हमें लेना है जीरा, अजवाइन, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सूरी मेथी और साबुत धनिया। सौंफ लेनी है, इलायची लेनी है, लौंग लेनी है, दालचीनी की स्टिक्स लेनी है और हींग लेनी है। थोड़े काजू ले लें, दही ले लें, सब्जियों में टमाटर, मिर्च और अदरक ले लें। हम इन्हें चॉप की हुई भी यूज़ करेंगे और डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे। ग्रेवी बनाते समय 2 कटोरी आप बेसन ले लें जिसकी सहायता से आप 9 से 10 जनों के लिए सब्जी बना पाएंगे। सब्जी बनाते वक्त आप तेल या घी दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में सबसे प्रीशियस इंग्रेडिएंट पानी, अपने साथ 2 जग जल भी रख लें। सबसे पहले हम डम्पलिंग्स का आटा लगाएंगे, यानी कि गट्टे का आटा। एक बोल में 2 कप बेसन ले लीजिए। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। आगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें और 1/2 चम्मच नमक डालें। 1/2 चम्मच इसमें जीरा डालें। 1 चम्मच इसमें साबुत धनिया डालें जिसे आपको अपने हाथों के बीच में क्रश करके डालना है, यानी कि इनका शेल ब्रेक होना चाहिए। अब इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डालें। अजवाइन डालनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को बेसन की वजह से गैस होने लगती है, तो अजवाइन आपकी हेल्प करेगी और ऐसी कोई भी समस्या नहीं आने देगी। इसे भी अपने हाथों के बीच क्रश करके डालें। अब बारी है कसूरी मेथी की, जो इसके फ्लेवर को और टेस्ट को एक अच्छा किक देगी। इसे भी अपने हाथों के बीच में क्रश करके ही डालना है। अंत में हम गरम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यहाँ पे गरम मसाला को स्किप कर दें। हमें चाहिए कि गट्टे एकदम सॉफ्ट बने और वो बनाने के लिए हमें इसमें एक सैचुरेटेड फैट ऐड करना होगा। हम यहाँ पे घी ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और तेल इस्तेमाल ना करें। हमने यहाँ 2 कप बेसन में 1/4 कप घी इस्तेमाल किया है। जिस तरह से हम खस्ता कचौरी का आटा लगाने से पहले उसमें मौन चेक करते हैं, वैसे ही हम यहाँ भी चेक करेंगे। बेसन को अपने हाथ में बाइंड करके देखिए। अगर वो बाइंड हो रहा है, मतलब उसमें हमने फैट बराबर डाला है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। जितना हमने घी लिया था उतना ही हम इसमें दही ऐड करने वाले हैं। इसे अच्छी तरीके से बाइंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसमें जितना हमने दही डाला है उतना ही पानी ऐड करेंगे। अब जब आप दही इसमें डाल रहे हैं तो धीरे धीरे करके डालें। हो सकता है आपका बेसन उतना पानी और दही ना ले जितना हमारा बेसन ले रहा है, इसलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। अगर ज़्यादा पानी या दही डल गया है तो उसमें थोड़ा बेसन और ऐड करके फिर उसे गूंथें। यहाँ पे हमें इस डो को हल्के हाथों से मसल मसल के चिकना करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डो की सतह पर तेल आ गया है। ये हमें इसे इतना शाइनी करना है।
अब इस डो को अपने हाथों से बेल कर लंबा कर लीजिए ताकि हम इसे इक्वल पोर्शंस में काट सकें। अगर आप सारे स्टेप्स एकदम बारीकी से फॉलो करेंगे तो आपके भी गट्टे सॉफ्ट बनेंगे। ओरिजिनली गट्टे की सब्जी में कोई भी वेजिटेबल ऐड नहीं होती, पर क्योंकि हम इसे एक रिच फ्लेवर देना चाहते हैं, एक क्रीमी ग्रेवी देना चाहते हैं, हम यहाँ पे कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम हमारे गट्टों को बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए अपने हाथ की सहायता से इस डो को सिलेंड्रिकल शेप देने की कोशिश करें। एक एक करके सारे सिलेंड्रिकल शेप्स तैयार कर लें। आप चाहें तो इन्हें अपने हाथों के बीच में रोल करके एक स्फेरिकल शेप भी दे सकते हैं। इसे बॉईल करने के लिए एक जग पानी ऐड करें और फ्लेम को सुपर हाई पे रखें, क्योंकि हमें यहाँ पे खौलता हुआ पानी चाहिए। जब तक ये बॉईल हो रहा है, हम ग्रेवी के लिए प्रिपरेशंस कर लेते हैं। आज हम इस ग्रेवी को एकदम क्रीमी बनाने वाले हैं। उसके लिए अपने कढ़ाई में डाल लीजिए देसी घी। अगर पॉसिबल हो तो रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें घी का ही इस्तेमाल करें। 2 चम्मच देसी घी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे, 3 कुटी हुई इलायची, 4 लौंग और 1/2 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे, 2 सिनेमन स्टिक्स ऐड करेंगे और 1/4 टेबलस्पून हींग ऐड करेंगे। जब सारे खड़े मसालों की क्रैकलिंग साउंड बंद हो जाए या उन्हें अच्छी तरीके से भुन चुके हों तो उसमें सब्जी ऐड करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएं, जिससे खड़े मसाले अपना फ्लेवर ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 टमाटर ऐड करने हैं। ऐड करने से पहले आप उन्हें पीछे से ऐसे 2 कट लगा दें ताकि उनके पकने की प्रक्रिया को एक किक मिले। सब्जियाँ डालते वक्त अपनी फ्लेम को लो रखें ताकि वो खड़े मसाले जल ना जाएं। हम यहाँ पे 3 टुकड़े अदरक के ले रहे हैं, साथ में हम 2 हरी मिर्च ले रहे हैं जिसको हमने बीच में से पार्ट करके डाला है। और अब 2 सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स, काजू और विनेगर। आप यहाँ पे 1 चम्मच सिंथेटिक विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करें और इसे ढककर पकने दें। जब तक ये पक रहा है, दूसरी तरफ हमारा पानी गर्म हो गया है। अब टाइम आ चुका है कि हम इसमें हमारे गट्टे ऐड करें। गट्टों को एक एक करके डालें, यानी कि 10 से 20 सेकंड का गैप बीच में रखें ताकि एकदम से उस पानी का टेम्परेचर डाउन ना हो जाए। हमें पानी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। आप अलग अलग बैचेस में बॉईल करने के लिए वेट ना करें, हमारी तरह सारे गट्टे एक साथ डाल दें। कम्प्लीटली बॉईल होने के बाद ये पानी की सतह पर आ जाएंगे। जब तक वो बॉईल हो रहे हैं, हम हमारी ग्रेवी बना लेते हैं। जब टमाटर अपने स्किन छोड़ दे, समझ जाइए कि ये बनने के लिए तैयार है। उस तरफ हमारे गट्टे पानी की सतह पर आ चुके हैं, यानी कि ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। आप इनकी सतह पर देख सकते हैं कि इन पे बबल्स आने लगे हैं। ये इस बात की पहचान है कि हमारे गट्टे बहुत सॉफ्ट बने हैं। इन्हें इक्वल पार्ट्स में हम काट लेंगे ताकि अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे इन्हें फ्राई कर सकें। हम इन्हें देसी घी में फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि हम इसे रिच फ्लेवर देना चाहते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसे घी में ही तलें। जिन सब्जियों को हमने उबाला था उन्हें आप ठंडा करने के बाद ही ब्लेंड करें। अगर आप उसे गर्म पीसने की कोशिश करेंगे तो स्टीम बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो हमने इनको इक्वल प्रोपोर्शन में काट के तैयार कर लिया है। घी को हमने कढ़ाई में डाल दिया है गर्म होने के लिए। जब अच्छे से घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें एक एक करके हमारे गट्टे डालेंगे फ्राई करने के लिए।
अगर आपका घी अच्छे से गर्म है तो 5 से 6 मिनट इसे फ्राई होने में लगेंगे। आप इन सारे गट्टों को एक साथ डाल के फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करते करते हम आपको याद दिला दें, वो सब्जियां और ब्लेंड करते वक्त उसी पानी का इस्तेमाल करें जिसमें हमने सब्जियों को बॉईल किया था। बातों बातों में हमारे गट्टे फ्राई हो गए हैं और हमने ये पेस्ट भी बना लिया है। और हाँ, ब्लेंड करने से पहले हमने जो सिनेमन स्टिक्स इसमें डाली थी उन्हें इससे अलग कर लें। 2 कप दही के अंदर 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। दही को फटने से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं और ऐसा करने से मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं। बड़े 3 चम्मच देसी घी कढ़ाई में ऐड करें और इसमें 1 चम्मच जीरा डालें। जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाए तो हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच हींग यूज़ करेंगे। इसके बाद हम साबुत धनिया 1 चम्मच ऐड करेंगे बिना क्रश किए और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हल्का भुनने के बाद हम इसमें हमारी टमाटर वाली ग्रेवी ऐड करेंगे। ग्रेवी ऐड करने के बाद हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये ग्रेवी अपना घी ना रिलीज़ कर दे। ग्रेवी का घी रिलीज़ करना इस बात का साइन है कि आपकी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। पकते ही आप इसमें कटी हुई मिर्ची और ग्रेटेड जिंजर ऐड करें। आप इसे यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब इस ग्रेवी में से दोबारा घी रिलीज़ होने लगे तब हम इसमें दही ऐड करेंगे जिसमें हमने मसाले डाल के रखे थे। दही ऐड करते वक्त अपनी गैस की फ्लेम लो पे रखें ताकि ये दही ना फटे। तो दही ना फटे इसलिए हमने 2 स्टेप्स लिए थे। एक तो हमने दही में मसाले ऐड किए थे, एक हमने इसकी फ्लेम लो कर दी है। तो अब हमारी दही नहीं फटेगी और ना इसका फ्लेवर ख़राब होगा। अब वापस से हमें इसे पकाना है जब तक ये अपना घी ना रिलीज़ कर दे। देखिए इसका घी रिलीज़ होने लगा है, पर अभी थोड़ा और पकाना है, ये और घी रिलीज़ करेगी। तो आप देख सकते हैं इसने सारा घी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसमें वो पानी ऐड करेंगे जिस पानी को हमने गट्टे उबालते वक्त यूज़ किया था, जो इसको और थिक और क्रीमी टेक्सचर देने में हेल्प करेगा। वो डालने के बाद इसमें कसूरी मेथी ऐड करें और हमारे गट्टे ऐड करें। गट्टे ऐड करने के बाद हमें इसे दोबारा पकाना है। इस सब्जी को बनाते वक्त छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आप दही को ना फटने दें, टमाटर को बॉईल करते वक्त उसके साथ विनेगर भी ऐड करें, गट्टे को सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें सैचुरेटेड फैट ऐड करें जैसे कि हमने घी का इस्तेमाल किया था। लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग राजस्थान घूमने नहीं आ सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और राजस्थान का फ्लेवर अपने घर में ही ले आएं। अगर ये सब्जी बनाते वक्त आपको कोई समस्या आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम जितना जल्दी हो सके आपका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जाने से पहले हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।